एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में विजय संकल्प रैली को थोड़ी ही देर में संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी पताही हवाई अड्डे के मैदान में पहुंचेंगे और रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह मौजूद है। हजारों की संख्या में समर्थक सुबह से ही वहां पहुंचने में जुटे हैं। पीएम से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में विजय संकल्प रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और साथ ही एसपीजी एवं एनएसजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। बता दें कि बिहार में चार चरणों में 19 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है, बाकी 21 लोकसभा क्षेत्रों में अब अगले चरण में चुनाव होना है। इसके बाद पीएम मोदी की यूपी में भी दो चुनावी सभाएं हैं। पीएम मोदी आज एक साथ तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली होगी और उसके बाद यूपी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों में पीएम को सुनने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला और इसी के तहत लोग सुबह से ही सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का और इसके बाद यूपी में दो जनसभाएं होनी है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2019 के तहत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आज तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी सभा जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में होगी और इसी के तहत उनके साथ मौजूद रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम मोदी आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में होनी है तो वहीं बाकी दो सभाएं यूपी में होनी है, यानी बिहार और यूपी की सियासत को साधने का काम करेंगे आज पीएम मोदी। और मुजफ्फरपुर में तैयारियां जोरों पर है और इसी के तहत लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग पीएम को सुनने सभा स्थल पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही देर में पीएम मोदी की जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम शुरू होने में है।